हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो साथी, आज हम आपको मिस्टर आमिल सर से मिलवाने वाले हैं जो एसएससी जीडी क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो एसएससी जीडी उन्होंने कैसे क्वालिफाई किया और उनकी स्टोरी बताने का केवल एक मोटिव इतना सा है मेरे दोस्त कि आपको सही स्ट्रेटेजी पता लग सके कि कैसे आपको इस एसएससी जीडी में तैयारी करनी है, क्या सिलेबस वगैरह है, कैसे उन्होंने हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, वो सब चीज़ें आमिल सर ही आपको बताएंगे। तो चलिए पूछते हैं आमिल सर से। तो आमिल सर, बताइए आपने एसएससी जीडी की तैयारी के लिए मतलब कैसे स्ट्रेटेजी अपनाई और कितना कितना दोस्त आपने उस चीज़ को पढ़ा है। जी सर, ज़रूर, हम आज एसएससी जीडी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगा कि सबसे पहले कोई एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। कि कुछ बच्चे होते हैं बिना सिलेबस के ही एग्ज़ाम दे जाते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट बिना लेके कैसे क्वालिफाई होगा ये बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस। तो एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, कुल 4 सब्जेक्ट आते हैं, जीके जो आपकी 25 नंबर की आती है, और दूसरा हो गया आपका मैथ भी आपका 25 नंबर का आता है, और हिंदी आपकी 25 नंबर की आती है, और रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट हैं, ये 25-25 नंबर के आते हैं। कुल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 1.5 घंटे का समय होता है इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो आपका सिलेक्शन जो है, मैं कहूँगा मेरे हिसाब से मैथ, हिंदी और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जीके का तो आधा सिलेबस है, इसे कवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी में तो बस आप 3 सब्जेक्ट हिंदी, रीजनिंग और मैथ को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। हिंदी बहुत ही ईजी आती है, मैथ है इजी टू मॉडरेट आती है, और रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट आती है। ये सब आपको 1.5 घंटे के अंदर करना है, तो आपको बेहतरीन तरीके से इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, बस छोटी छोटी जो एसडी यादव मैथ में होगी, जैसे जीके के लिए आप लूसेंट ले लेंगे, और करंट अफेयर के लिए आप ले लेंगे स्पीडी, और हिंदी के लिए आप नॉर्मल लूसेंट ले आएंगे। बस इन छोटी छोटी किताबों से बस आपको प्रैक्टिस डेली करना होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है स्पीड का होगा। आपको स्पीड जो है 1.5 घंटा टाइम मिलेगा, इसमें जितनी जल्दी आप टाइम बचा लेंगे और उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा आमिल सर, आप मुझे ये बताएंगे कि मतलब आपने जब स्टार्ट की अपनी तैयारी को एसएससी जीडी की, तो मतलब आपने किस प्रकार से मतलब किस अप्रोच के साथ में स्टडी की? जैसे आपने मैथ को बताया, ठीक है, मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, और रीजनिंग पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो मैथ में आपने अर्थमेटिक पे कितना फोकस किया और एडवांस कहाँ तक पूछी गई थी, मतलब इस चीज़ को आप बताएंगे, ताकि जैसे मोस्टली जो बच्चे जुड़े हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एडवांस से काफ़ी घबराते हैं, है नहीं? तो आप ये बताएंगे कि अर्थमेटिक का कितना इसमें रोल रहा था आपके एसएससी जीडी में? तो दोस्तों, एसएससी जीडी में जो अर्थमेटिक है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जबकि एडवांस से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से मिल जाएंगे एडवांस से, 1-3 क्वेश्चन, और ज़्यादातर अर्थमेटिक से आता है। अर्थमेटिक में ऐसे टॉपिक जैसे आपका प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, और अनुपात हो गया, ये जो है आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक होने चाहिए। इन टॉपिक को बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे ढंग से। और जबकि इसमें प्रतिशत जो है, प्रतिशत तुम्हारे पूरे अर्थमेटिक सब्जेक्ट को मतलब मैथ को कवर कर लेता है। प्रतिशत आपका बेहतरीन होना चाहिए, अनुपात बेहतरीन होना चाहिए, इन दोनों टॉपिक से आप लगभग सभी टॉपिक कवर कर लेंगे, क्योंकि आपका एसआई है, सीआई है, उसमें भी प्रतिशत होता है, और एज वाले क्वेश्चन में अनुपात होता है। अनुपात और प्रतिशत के आधार पर आप पूरा मैथ कवर कर लेंगे, पूरा अर्थमेटिक कवर हो जाएगा। और ज़्यादा फोकस करना है तो आपकी हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो मतलब इन सब में से किस पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे हिस्ट्री है दोस्तों, तो हिस्ट्री में आपको जैसे 3 तरीके की हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है भाई? 3 पार्ट में, ठीक है। कौन कौन सी? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और आपकी जो है भाई मॉडर्न हिस्ट्री। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि मॉडर्न हिस्ट्री से और मेडिवल से ज़्यादा क्वेश्चन बनते होंगे ना, आधुनिक भारत से और मध्यकालीन भारत से। इन दो चीज़ों से दोस्तों आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मैंने फिलहाल अभी तक जितने अपने लाइफ में देखा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से और आपके मेडिवल हिस्ट्री से। कम क्वेश्चन जो पूछने के चांसेस हैं भाई, वो रहते हैं आपके प्राचीन भारत से, ठीक है। और मॉडर्न में भी दोस्तों कई तरीके के, जैसे मुगल साम्राज्य से, ठीक है, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, इन सभी चीज़ों से जो क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, हिंदी के लिए आमिल सर आप बताएंगे हिंदी के लिए, और मैं ये भी बताऊँगा आपको कि कौन सी बुक
आमिल सर बताएंगे कौन सी बुक से दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, वो भी हम अभी पूछेंगे आमिल सर से। तो अभी हम जानते हैं कि हिंदी किस प्रकार से आमिल सर ने तैयार की थी अपनी। दोस्तों हिंदी में ये भी नहीं कि बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, हिंदी में कुछ मुख्य टॉपिक दे रखे हैं, 4-5 टॉपिक, आपको वही बस पढ़ना है, डेली प्रैक्टिस करना है और आपकी एक्यूरेसी सही करना है, क्योंकि हिंदी में जो है 25 क्वेश्चन में से 25 नंबर लाना बहुत ही आसान है, वो आपके डेली प्रैक्टिस से हो पाएगा। आपको क्या है, 4-5 टॉपिक दे रखे होंगे, ब्लोम शब्द वाला एक टॉपिक दे रखा है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी शब्द है और ऐसे ही 2-3 टॉपिक और हैं, इन सब टॉपिक को और एरर हो गया उसमें, जैसे इंग्लिश में एरर आती है वैसे हिंदी में होती है एरर, तो सेंटेंस में कैसे एरर पहचानेंगे, कैसे उनको अलग करेंगे, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर सभी डिपेंड करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा हिंदी पे। हिंदी जो है आपका स्कोर कवरिंग सब्जेक्ट है, स्कोर। अच्छा, रीजनिंग के लिए आप सर बता दीजिए बच्चों को, रीजनिंग के लिए कैसे तैयारी करें। रीजन की बुक आती है, देखो रीजनिंग जो है सिलेक्शन में बहुत ही बढ़िया रोल अदा करेगी और रीजनिंग इजी आती है। रीजनिंग में आपको 25 में से 25 लाने कोई मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 25 में से 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, मगर अभी देख रहे हैं आप लगभग आज से जो इंटरव्यू हो रहा है इससे 6 महीने बाद एग्ज़ाम है आपका, लगभग आपका अप्रैल की तरफ होगा, मार्च या अप्रैल की तरफ एग्ज़ाम, और 50,000+ वैकेंसी आने वाली हैं, तो अभी से आप लग जाइए और डेली बस 1-1 घंटा अगर तुम सब्जेक्ट पे दोगे, मैथ में 1 घंटा दे दिया, रीजनिंग में 1 घंटा और हिंदी में 1 घंटा दे दिया, इतने ही समय से आप बेहतरीन नंबर लेके आएंगे। और जीके को नॉर्मली आप रिवाइज करते रहें, लूसेंट ले लें उससे जीके पढ़ते रहें, और करंट अफेयर के लिए मंथली जो आती है स्पीडी वगैरह उसको ले सकते हैं। बस 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा जोर नहीं डालना करंट अफेयर पे, फिर क्या होता है जीके पीछे बिल्कुल पड़ जाते हैं, और जबकि यहाँ आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हिंदी है, रीजनिंग, मैथ है, इनको छोड़ देते हैं बिल्कुल। और कभी कभी मैथ में स्ट्रॉन्ग होता है बच्चा, वो बस मैथ में ही पढ़ता रहता है, जबकि रीजनिंग और हिंदी में बता रहा हूँ कि 3 सब्जेक्ट आपको बस बेहतरीन तरीके से पढ़ने हैं सिलेक्शन के लिए, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, और जीके पे इतना फोकस नहीं करना है। जीके में आपके 15 नंबर आ जाएं 25 में से, तो आप समझ लो आप 80+ नंबर लेके आ सकते हैं। और एक्यूरेसी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होता है, नॉर्मलाइजेशन से आपके 5-6 जो मतलब नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों इसमें, इसलिए आपको एक्यूरेसी भी ध्यान रखना है। एक्यूरेसी आपकी डेली प्रैक्टिस से आएगी, तो डेली प्रैक्टिस करते रहें। आज से लगभग 6 महीने हैं, अब इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हर तरीके की सुविधा, जीके को कैसे फोड़ें और मैथ, रीजनिंग, हिंदी के बेहतरीन टीचर उपलब्ध कराए जाएंगे आपको, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासें लगेंगी 6 महीने तक आपको, और बिल्कुल फ्री क्लास लगेंगी, और बिल्कुल सटीक कैसे ऐसे क्वालिफाई करें एग्ज़ाम को वही सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा। देखिए भाई, मैथ के लिए आपके जो मैथ आपको डील करेंगे भाई एसएससी जीडी में, वो कोई और नहीं करेंगे जिन्होंने एसएससी खुद जीडी क्वालिफाई कर रखा है, वही आपकी मैथ को लेकर चलेंगे एसएससी जीडी के लिए। और दोस्तों मैं आज अनाउंस कर देता हूं कि एसएससी जीडी का कोर्स जो हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई, जैसे आपको सभी को पता है कि अभी हम दोनों का पूरा फोकस है आपका UP SSC PAT पे, ठीक है, और UP SSC PAT का एग्ज़ाम है आपका 15 और 16 अक्टूबर को, ठीक है, 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने के बाद जो हम जीडी का साथी बैच स्टार्ट करेंगे वो दोस्तों क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं 20 अक्टूबर से, ठीक है। तो हम पहले भाई एक चीज़ को जिसको पकड़ते हैं वो पहले कंप्लीट कराते हैं बढ़िया से, ठीक है, हम दोनों का टारगेट यही रहता है भाई कि पहले एक चीज़ इस भी हमने स्टार्ट करी है पहले उसे लास्ट तक कंप्लीट करें। अब जब हम एसएससी जीडी करवाएंगे तो पूरा फोकस हम दोनों का केवल एसएससी जीडी पर ही होगा, ऐसा नहीं होगा फिर उसके साथ में कुछ और आपके साथ डील करें, तो पूरा फोकस किस पे होगा, हमारा एसएससी जीडी पर ही होगा। तो आपकी 20 अक्टूबर से साथ ही एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट हो रही है, और ये आमिल सर ही दोस्तों डील करने वाले हैं आपका मैथ का पार्ट, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट करवाएंगे, और भी दोस्तों हमारे टीचर हैं उनको भी मैं मिलवा दूंगा जब एसएससी जीडी का हम लोग बैच लेकर आएंगे, ठीक है। तो एसएससी जीडी में बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों डील करेंगे, वो सभी चीज़ें आपको बताएंगे जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है एसएससी जीडी में, ठीक है भाई। तो सभी लोग क्या करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आमिल सर के लिए वीडियो को करेंगे लाइक और कर देंगे सभी में शेयर, क्योंकि जो भी एसएससी जीडी एस्पिरेंट है उस तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि भाई स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। युद्ध में जाने से पहले भाई हथियार होना बहुत ज़रूरी है, बिगैर हथियार के युद्ध में कूद गए तो आंधे मुँह गिरता है आदमी, ठीक है भाई। तो हथियार होना बहुत ज़रूरी है, और हथियार हमारे पास हैं भाई आमिल हुसैन, ठीक है, बहुत बढ़िया टीचर हैं आपके भाई, मैथ डील करेंगे, ठीक है भाई। ऐसे ही मोटिवेशनल
स्पीच और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी हम लोग लेकर आते रहेंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। बस आप क्या करेंगे भाई, सपोर्ट करेंगे। और कुछ कहना है आमिल भाई कह दीजिए, उसके बाद करते हैं भाई सेशन को हम लोग ख़त्म। साथ ही साथ क्लास चलती रहेंगी, किस तरह से मेरा फिजिकल हुआ था, किस तरह से मेडिकल हुआ था, किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, क्या क्या करना पड़ेगा जीडी में, क्या क्या होता है, सबके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और साथ में कैसे आपके साथ सहयोग करके आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाना है, मोटिवेट करना है, कैसे क्या करना है, सब स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जाएगी। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्रोत्साहित किए हम लोगों को, जिससे कि हम गरीब बच्चों को और भी हैं उनकी सुविधा उपलब्ध करवा सकें, जो बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, सही सुविधा नहीं मिल पाती है, पेड कोर्स वगैरह लेने के लिए, तो उनके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराना हमारा उद्देश्य है। इस चैनल का बस यही मकसद है, गरीब बच्चों तक सुविधा उपलब्ध करवाना, पढ़ाई उन तक पहुँचाना। चलिए भाई दोस्तों, प्यार बनाए रखिएगा अपना, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।